थार के रेगिस्तान में इन दिनों भीषण गर्मी से आमजन का बुरा हाल है। वहीं पक्षियों के लिए दाने पानी की समस्या भी बनी हुई है। पक्षियों के लिए गर्मी से राहत पाने के लिए गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनिवार को अभियान के तहत शहर में रमेश कंडेला कुलदीप मय टीम द्वारा पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। शनिवार को वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड के सामने रिको एरिया एमएस 4 छात्रावास शास्त्री नगर रामनगर पीजी कॉलेज के सामने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। थार के रेगिस्तान में इन दिनों भीषण गर्मी से आमजन का बुरा हाल है। वहीं पक्षियों के लिए दाने पानी की समस्या भी बनी हुई है। पक्षियों के लिए गर्मी से राहत पाने के लिए गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनिवार को अभियान के तहत शहर में रमेश कंडेला कुलदीप मय टीम द्वारा पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। शनिवार को वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड के सामने रिको एरिया एमएस 4 छात्रावास शास्त्री नगर रामनगर पीजी कॉलेज के सामने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। अभियान से जुड़े कुलदीप कंडेला ने बताया कि पिछले 2 महीनों से अभियान जारी है। जिले भर में अभियान से प्रेरित होकर पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए पक्षियों के लिए परिंडे लगाना जरूरी है। अभियान पूरे गर्मियों तक जारी रहेगा। परिंडा अभियान को लेकर युवाओं की इस टीम द्वारा पिछले 2 महीने से लगातार जिले भर में कार्य किया जा रहा है। अब तक हजारों की संख्या में परिंडे लगाए गए हैं, जिससे भीषण गर्मी में मूक पक्षियों को राहत मिल रही है। टीम द्वारा बाड़मेर शहर में विभिन्न स्थानों पर परिंडे लगाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा परिंडे लगाने और पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करने को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। इस अभियान में रमेश कंडेला जयचंद कंडेला नरेंद्र सिंह तामलोर शरीफ खान समेत कई युवा काम कर रहे हैं।